हेलो प्लेयर्स, तो आप सब लोगों को फिर से स्वागत है डे ऑफ गेम्स के आर्क मोबाइल के एक और नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में मैंने किया था इस डायरूल का ब्रीडिंग, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर लेना। और आप देख ही सकते हो कि ये पहले से बहुत बड़ा हो चुका है और कुछ ही देर में पूरा तैयार हो जाएगा, तब मैं इसको लेके केव्स एक्सप्लोर करने के लिए जा सकता हूँ। हाँ, मैं इसको सिर्फ केव एक्सप्लोर करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। ओके, तो 1 मिनट बाद इसको वॉकिंग चाहिए, तो फटाफट मैं इसे वॉकिंग करवा देता हूँ, फिर बात करते हैं आज के वीडियो की। ओके, तो इसका जो टाइम है वो कंप्लीट होने वाला है, तो इसे तो मैंने पहले ही फॉलो करवा के रखा है, तो बस आ जा, ऐसे आपको वॉक करवाना है। ओके, और कितना दूर जाना पड़ेगा भाई? ओके, तो चलो हो चुका है इसका कंप्लीट। अब 35 मिनट बाद इसे ट्राइक की एक का केबल चाहिए। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि वो केबल इसे चाहिए होगा, क्योंकि उससे पहले इसका 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। तो आज के वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ केमिस्ट्री बेंच। यस, केमिस्ट्री बेंच बनाने वाला हूँ। तो इसे नाम से थोड़ा सा साइंटिफिक जैसा फीलिंग आ रहा है, तो सबसे पहले कर लेते हैं इसे अनलॉक। ओके, तो मिल चुका है केमिस्ट्री बेंच, ये आपको 82 लेवल पे मिलेगा। और इसे अनलॉक करने के लिए आपको पहले मेटल पिस्टल एंड बियर बैरल और फैब्रिकेटर अनलॉक करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा इसका आइडिया मिल रहा है, तो पहले कर लेते हैं इसे अनलॉक। और इसके लिए मुझे चाहिए 93 पॉइंट्स, और बियर बैरल और मेटल पिस्टल मेरा अनलॉक नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही माइन पाइप यूज़ किया था। अगर आपको नहीं पता कि माइन पाइप क्या काम करता है, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर चेक कर लेना, मैंने पूरा डिटेल्स दे रखा है कि माइन पाइप क्या काम करता है। ये तो हो चुका है अनलॉक, तो चलते सीधा फैब्रिकेटर में, क्योंकि ये बनने वाला है भाई भाई, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगेगा। ज़्यादातर सामान तो होना चाहिए मेरे पास, तो ये रहा। तो इसके लिए चाहिए 500 मेटल, 250 सीमेंट रिपेस, 100 स्पार्क पाउडर, 250 क्रिस्टल एंड ऑल्सो 250 पॉलीमर। चाहे वो पॉलीमर हार्ड हो या फिर ऑर्गेनिक हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाकी तो सारे चीज़ें हैं, बस स्पार्क पाउडर और पॉलीमर चाहिए। तो स्पार्क पाउडर तो यहाँ पे रखा है बहुत सारा, स्पार्क पाउडर की कोई कमी नहीं है मेरे पास, देख सकते हो भाई बहुत सारा है। तो स्पार्क पाउडर तो ले लिया मैंने, इसे रख देते हैं। और पॉलीमर जो है वो मैं ऊपर से लाने वाला हूँ एकाटीना के पास से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पॉलीमर बना बना के रखा है मैंने। तो चलते सीधा ऊपर। तो मैं आ चुका हूँ एकाटीना के पास, और भाई के सेविंग तो देख सकते हो कितने सारा पॉलीमर है मेरे पास, और थोड़ा सा सीमेंट पेस्ट भी ले लेता हूँ। तो भाई ये सब पॉलीमर लेके मैं चलता हूँ नीचे, और मेरा वेट तो भाई फुल हो चुका है, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो सीधा मिलता हूँ फैब्रिकेटर के पास। तो पहुँच गए सीधा फैब्रिकेटर के पास, तो डाल देते हैं सारे चीज़ें अंदर। और ओके, बाकी रह गया तो पूरा तो हो चुका है, ये मैं ऊपर रख के आऊँगा। तो अब मुझे चाहिए फ्यूल ना, तो फ्यूल भी डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो पहले से रख कर आता हूँ, फिर डालता हूँ फ्यूल, पर ना ये पॉलीमर क्या होता है ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर एकाटीना के पास रहेगा तो कुछ नहीं होता है। ओके, तो सब कुछ रख के आ चुका हूँ और फ्यूल भी ले लिया, तो अब बस बनाने वाला हूँ एक केमिस्ट्री बेंच। ओके, जा नहीं रहा है, एक पॉलीमर उठाना पड़ेगा, स्पेस ख़त्म हो गया इसका। चलो टर्न ऑन, और बन गया केमिस्ट्री बेंच, तो बनने देते हैं। तो पहले मैं इसको सही से बिठा लेता हूँ और फिर बताता हूँ इसका काम क्या है। तो इसको मैं पहले हॉट बार में सेट कर देता हूँ, बिठाने में आसानी होगा। और हाँ, इसको चलाने के लिए तुम्हें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, पहला है इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरा है फ्यूल। हाँ, अलग है सब लोग सब चीज़ों से, ये दो चीज़ से चलता है, मतलब दो चीज़ चाहिए ही चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल। तो इलेक्ट्रिसिटी तो इसको यहाँ से मिल जाएगा, अब बस इसके अंदर एक फ्यूल डालना है, और फिर देखो इसका जादू भाई, देखने में सही लग रहा है, पूरा केमिस्ट्री लैब का एक टेबल रख लग रहा है। तो एक फ्यूल डाल ले लेता हूँ मैं, एक फ्यूल काफ़ी होता है इसके लिए, बहुत टाइम तक आप यूज़ कर पाओगे। तो अब देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इससे तो आपको अंदाज़ा हो ही गया कि इसमें बनता क्या है। तो अब मैं क्या ही बोलूँ इसमें, सीधी बात, ये जो कैंप फायर देख रहे हो इसका जैसे अपडेटेड वर्शन है, ये इंडस्ट्रियल ग्रिल एकदम सेम टू सेम, ये जो मेटल पिस्टल देख रहे हो, मेटल एंड पिस्टल, तो इसका अपडेटेड वर्जन है वो केमिस्ट्री बेंच।
बस इतना ही। और इसमें भी मतलब फर्स्ट काम होता है, तो डेमो के लिए मैं सारा सामान तो रख दिया है, तो देखा देता हूँ भाई कितने सारे सामान रखा है। मैं फ़िलहाल बनाने वाला हूँ नार्कोटिक, तो देख सकते हो कितने सारे नार्को बेरीज और स्पॉइल मीट रखा हुआ है यहाँ पे। तो चलते दिखाता हूँ। एक टाइम पे 6 नार्कोटिक बनाता है, लेकिन हाँ सामान उतना ही लगता है। मतलब 6 तुम्हें मेटल पेस्टल में 6 नार्कोटिक बनाने में जितना सामान लगेगा, इसमें भी सेम टू सेम सामान लगता है। ऐसा नहीं कि कम लगता है, उतना ही लगता है, बस काम फास्ट होता है। तो चलो देख सकते हो एक टाइम पे 6 बन रहा है, तो इसे तो बनने देते हैं। और बाकी का जो काम है वो भी इतना ही फास्टली होगा। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो उन्हें आई होप कि सब कुछ पता चल गया। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना जाना ही मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।